दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बच्चे मस्जिद में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, अचानक उनके बीच में आकर एक लंगूर बैठ जाता है। फिर आगे क्या हुआ आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक मस्जिद में बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे थे, तभी अचानक एक बंदर आता है और इन बच्चों के पास आकर बैठ जाता है और कुरान की तिलावत सुनने लगता है। ये बंदर इतने आराम से बच्चों के पास आराम से बैठकर कुरान की तिलावत सुनता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये बंदर ना तो किसी को नुकसान पहुंचाता है और ना ही किसी को डराता है, और कुरान की तिलावत करने वाले बच्चे भी इस बंदर से नहीं डरते, कुरान की तिलावत करते रहते हैं। ये बंदर ऐसे ही इन बच्चों के पास बैठा रहा, फिर आगे जाकर किसी और के पास बैठ गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही कोई शरारत की। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए, कैसे एक जानवर भी अल्लाह तबारक व तआला के घर में आकर कितने आराम से कुरान की तिलावत सुन रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ हमें, जो कि ना तो कुरान की तिलावत करते हैं और ना ही मस्जिदों में जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।